लाइक के नाम पर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। नोएडा में एड्सवर्क नाम की कंपनी के निवेशकों ने एसपीसीटी से कंपनी के खिलाफ शिकायत की है। एसपीसीटी ने शिकायत मिलने के बाद थाना सेक्टर 20 को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस की शिकायत में 35 आईडी धारकों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि एड्सवर्क ने क्लिक के नाम पर लोगों से ठगी की। निवेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है। निवेशकों ने कंपनी के खाते में पैसा जमा कर आईडी ली थी। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन कंपनियों के खिलाफ किस तरह की अब तक कार्रवाई हुई है, और खासतौर से जो नई शिकायत आई है सामने, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये ठगी का धंधा अलग अलग तरीके से चला ही रहे हैं अभी नोएडा में। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अभिनव मित्तल की कंपनी पर कार्रवाई हुई उसके बाद से हमने खबर दिखाई थी कि दो और ऐसी कंपनियां जांच के डर से या पकड़े जाने के डर से भाग गई थी। उसके अलावा वेबवर्क हुई और अब ये कंपनी जो एडवर्क के नाम से है, ये कंपनी के खिलाफ भी, इसके खिलाफ भी लगातार शिकायतें आ रही थी, और जो शिकायतकर्ता है वो कई दिन से पुलिस के चक्कर लगा रहे थे, जिसके बाद वो एसपीसीटी से मिले। और इन लोगों की शिकायत में करीब 35 लोगों के नाम है। इन लोगों का कहना है कि 35 लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास लाइक के नाम पर ठगी करने के लिए लिए गए, और जैसे ही अभिनव मित्तल की कंपनी पर कार्रवाई हुई उसके बाद से इस कंपनी ने पैसा देना और जो भी लाइक कराते थे वो सारा कुछ बंद कर दिया, और उसके बाद से कोई संपर्क इस कंपनी का नहीं है। नोएडा के सेक्टर 18 के आईसीआईसी बैंक में पैसा जमा किया गया था। इसके अलावा दिल्ली में 2 बैंकों में और इस कंपनी के खाते हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कंपनी से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो इससे पहले दोनों कंपनियां थी उन पर भी फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, और कई अहम चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं, और कई और कंपनियां ऐसी हो सकती हैं, इस बात का अंदेशा भी पुलिस को है। जी सर, जानकारी देने के लिए शुक्रिया।